नेक्स्ट सिंपल सा प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ जेम डायोइक एसिड। जेम डायोइक एसिड होती क्या है? जेम डायोइक एसिड का मतलब है कि एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट एसिडिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दिस इज माई जेम डायोइक एसिड, कि एक ही कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर दो अलग अलग एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कुछ भी हो, मेट भी आर डैश कुछ भी हो, हमें बस ये चाहिए कि एक कार्बन पे दो डिफरेंट एसिडिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या आएगा, अगर इसको हम हीट करें तो रिएक्शन, शायद आप जानते भी हो कि अगर डायोइक एसिड, जेम डायोइक एसिड को हम हीट करें तो उससे सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप बचता है और दूसरा एसिडिक ग्रुप रिमूव हो जाता है। कैसे? जैसे अगर इसको हीट करें तो इसमें से ये COO ये पार्ट हट जाएगा, ये क्या है CO2, CO2 हट जाएगा, ये एच आएगा, सीधा से बॉन्डिंग कर लेगा और एक सिंपल सी हमें नॉर्मल सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है ये, COOH। ठीक है, अगर इसको मान लो आप हीट करते हो तो एक एसिडिक ग्रुप हटा दो, COOH, बस ये सिंपल सी एसिड हमें मिल जाती है। तो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ जेम डायोइक एसिड। नेक्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। देखो, एसिड डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो हमारे पास और उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फ्रॉम दैट वील गेट द एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जैसे अगर हम हमारे पास मान लो कोई भी एसिड डेरिवेटिव, बीट एनी, यहाँ पे हम एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ये एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ये एस्टर भी हो सकता है, ये हैलाइड भी हो सकता है, एंड इट कैन इवन बी एमाइड। मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव लो, उसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर दे पकड़ के, एच प्लस, ये सब कुछ भूल जाता है, इसके पास सिर्फ एक एसिड रह जाती है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जी के साथ क्या होता है उसको भूल जाओ, जी के ऊपर डिपेंड करता है कि जी क्या है। अगर मान लो जी एक एस्टर है तो एक किस टाइप का कंपाउंड होगा, RCOOR-, ठीक है ना? तो ये जी है तो साथ में एक एल्कोहल भी बन जाएगा, ROH। मतलब बेसिकली होना क्या है कि इस पार्ट से तो आपको एसिड बनानी ही बनानी है, जब आपके पास एसिड डेरिवेटिव है उसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो इस वाले पार्ट से, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इससे तो आपको एसिड प्रिपेयर करनी करनी है। जो बचा हुआ पार्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे अगर ये एस्टर है तो ये एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे हेलाइड है तो कोई एसिड बन जाएगी, जैसे अगर यहाँ पे CL है जी की जगह तो HCl बन जाएगा, यहाँ पे BR है तो HBr बन जाएगा, यहाँ पे अगर एमाइड है, सपोज यहाँ पे NH2 है तो अमोनिया बन जाएगा, NH3। तो इस टाइप से प्रोडक्ट जो होगा दूसरे वाला वो जी के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड मेन प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, दैट इज RCOOH।